पेपर कैसा गया सर? बेटर, बेटर था सर, बेटर। अच्छा, यस सर। कैसे सवाल थे सर? सवाल नॉट बी सो डिफिकल्ट बट मे बी मॉडरेट्स, सो एज माई ओपिनियंस कट ऑफ विल बी लो बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस नॉट बी एनी पी वाई क्यू मैच एंड ऑल्सो द कट ऑफ विल बी मिनिमम 40 to 45। ट्रेंड बदला कुछ अग्निपथ की वजह से? कोई ट्रेंड बदला पिछले? नो सर, पेपर विल बी नॉट, इज नॉट ईजी, मे बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। नॉट ट्रेंड बदला? नहीं सर, पेपर का डिफिकल्टी वही है और लगभग सेम ही है। फिजिक्स सेशन थोड़ा सा हार्ड लगा, बाकी सब एवरेज ही है जो आता था। मैथ्स में कैसे सर? मैथ्स में जो लेवल होते हैं वही थे और थोड़ा सा कठिन पेपर था। कुछ सवाल बताइए मैथ्स का। सर मैथ्स में वेक्टर से क्वेश्चंस थे और पीएनसी से ये सब से थे, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे, टाइम टेकन थे और क्वेश्चन ईजी थे। और इंग्लिश? इंग्लिश भी सर ईजी था। इंग्लिश सब, मतलब तीनों सेक्शन में सबसे ईजी इंग्लिश ही था। इंग्लिश क्या था इंग्लिश में? इंग्लिश में वही वॉयस नरेशन, एक इडियम फेज था और पैसेज का चार क्वेश्चन और यही सब टेंस वेंस का था, मतलब प्रीपोजिशन से एरर था एक। कोई ट्रेंड में बदलाव दिखा अग्निपथ को जैसे? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, पहले जैसा ही था, पहले जैसा एकदम। कोई आपको? नो, आपको कोई ट्रेंड में बदलाव लगा अग्निपथ? नो सर, कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं। आप भी दिए थे? कैसा गया आपका पेपर? सही था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। फिजिक्स हार्ड था? क्या था फिजिक्स में? कॉन्सेप्ट ज्यादा, मतलब दो दो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगा रहा था। स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड सही था, इंग्लिश सही था। मतलब 12th लेवल का था कि उससे हार्ड? नहीं, 12th लेवल का, 12th लेवल का। और मैथ में? मैथ भी सही था। मैथ में कहाँ से था सवाल? मैथ में इंटीग्रेशन, सभी चैप्टर आए थे, इंटीग्रेशन से आए थे, फिर डिफरेंशिएशन से आए थे, लिमिट्स, डेरिवेटिव, सभी से आए थे। अच्छा, मेजर चंक की अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में सवाल ज़्यादातर कहाँ से था? फिजिक्स में था हर, मतलब हर चैप्टर से था, हर एक चैप्टर से बराबर सवाल। मैथ में? मैथ में सवाल, हम तो अभी जा रहे हैं। मैथ में सवाल कहाँ से था? ये 11th 12th था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। कोई सवाल बताइए जहाँ इंटीग्रेशन से ये सब अगर से भी था? हाँ, सबसे था इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस से था और आपका वेक्टर से था। अच्छा, हर एक पार्ट से था। और फिजिक्स में? फिजिक्स में भी 11th 12th से बेस था, बेस आपका 11th 12th से था। अच्छा। और इंग्लिश जो है सॉर्टिंग द एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब थे। अच्छा, अग्निपथ होने की वजह से ट्रेंड में कोई बदलाव दिखा? कुछ बदलाव नहीं दिखा, क्योंकि मॉक टेस्ट जैसा था वैसा ही सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, पिछले बार जैसे एग्जाम होते थे पहले वैसा ही था? एकदम वैसा ही था। कैसा रहा पेपर? ठीक है। क्या कोई समस्या भी आई? नहीं। क्या हुआ प्रोसेस जब एंट्री कर रहे हैं अंदर? तो बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है, क्या क्या चेक हुआ? मैम, आधार कार्ड, मार्कशीट और क्या। अच्छा, सवाल कैसा था? सवाल ठीक था। इंग्लिश पूरा बना लिए? इंग्लिश 15 बना दिए प्लस। कहाँ से थे सवाल इंग्लिश में? नरेशन थे, वॉइस थे और पैसेज थे कुछ। पैसेज कैसा था? पैसेज थोड़ा सा टफ था, हल्का टफ था। हल्का टफ था।